हाय एवरीवन, तो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं ये ब्यूटीफुल सी ब्राइडल मेकअप लुक। आप इस लुक को बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं, सो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैंने डिटेल में भी कट क्रीज करना बताया है, तो अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक दे दे रही हूँ, वहाँ जाके आप ज़रूर देख सकते हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आई बेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फुल कवरेज कंसीलर, स्विस ब्यूटी का बहुत ही अच्छा वाला कंसीलर है, और आईब्रो को मैं इसी से क्लीन भी कर लूँगी, बहुत बाहर की तरफ नहीं निकालना है। इसको आई लिड के अंदर ही इसको ब्लेंड करेंगे, और बहुत कम क्वांटिटी में आपको लेना है ये कंसीलर, वरना बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगा। उसके बाद मैं NYBA का कॉम्पैक्ट से इसको सेट कर दे रही हूँ। देन मैं ब्रश के लिए यूज़ कर रही हूँ कप्सन लैशेस का 008, और इसके बाद मैं इस आई मैजिक के पैलेट में से पिंक कलर का आई शेडो ले रही हूँ, जिसको मैं ट्रांजिशन एरिया पे अप्लाई करूँगी, और इसको मैं थोड़ा सा क्रीज एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ और ब्लेंड करते हुए ट्रांजिशन एरिया तक लेके जा रही हूँ। सो मैंने फिर से थोड़ा सा और कलर लिया है और उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। सो थोड़ा थोड़ा कलर आपको लेना है और ब्लेंडिंग करनी है। उसके बाद मैं ये पर्पल कलर का शेड ले रही हूँ आई मैजिक के पैलेट में से ही, जिसको मैं क्रीज एरिया पे अप्लाई करूँगी क्रीज एरिया को डार्क करने के लिए। इस एरिया को मैंने अच्छे से डार्क कर लिया है। उसके बाद मैं उसके एजेस को ब्लेंड कर रही हूँ। देन मैं उसके एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। देन मैं ब्लैक शेड अप्लाई कर रही हूँ आउटर कॉर्नर पे एंगल शेप में। देन इसको आउटर कॉर्नर पे वी शेप में मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और थोड़ा सा क्रीज एरिया के ऊपर भी कलर को लेके आ रही हूँ, क्योंकि इससे क्रीज एरिया भी थोड़ा डार्क होगा। देन जो भी क्लीन कर लिया है मैंने, जो भी थोड़ा सा इधर उधर फैला था, सो देन मैं इस तरह से ऊपर की तरफ देख रही हूँ कंसीलर अप्लाई करके, तो इससे मुझे क्या है ना कि मेरी गाइडलाइन मुझे मिल गई, तो इससे बहुत ईजी रहता है कट क्रीज करना, और दोनों आईज पे इस तरह से सेम भी होता है कट क्रीज। और इस तरह से इसको मैं अच्छे से सेट कर लूँगी पाउडर की हेल्प से। देन मैं इनर पे अप्लाई कर रही हूँ बेज कलर का, मतलब वाइट कलर का शेड, मैट शेड आई मैजिक के पैलेट में से ही मैंने लिया है। और देन मैं मिडिल एरिया पे अप्लाई करी गोल्डन कलर का शेड, और देन मैं गोल्डन कलर के शेड को अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ ब्लैक कलर के शेड के साथ, और थोड़ा सा मैंने ग्लिटर भी अप्लाई किया है। और आईलैश मैंने अप्लाई कर लिया है। वाटर लाइन पे मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा मोटा करके, और देन मैं पर्पल कलर के शेड के साथ उसके एजेस को मैं ब्लेंड कर लूँगी, और ब्रॉ बोन को मैं गोल्डन कलर के शेड के साथ अच्छे से हाईलाइट कर लिया है। और ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप गाइज आपको मेरा ये लुक पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।